hi this is monica mabey and we are live on the youtube channel of fun academy 11th and 12th with lecture number one of चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑर्गेनिक का है तो मोनिका मैम का फेवरेट तो होना ही है साथ साथ मोनिका मैम के बच्चों का भी फेवरेट बन जाएगा बहुत जल्दी अगर आप आएंगे रेगुलर और आप लिख लिख कर लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आई गारंटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं आपका फेवरेट बना के ही छोड़ूंगी चलिए आगे बढ़ते आप सेशन को करें शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी नए लोग हैं वो फर्स्ट सेशन से जुड़ते हैं तो बहुत फायदा होता है एंड आगे बढ़ते हैं सो माई नेम इज मोनिका बेदी आई डिट पी एच डी इन केमिस्ट्री आई हैव ओवर डीकेड ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई हैव क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट

आप रिकॉर्डेड में से भी कर सकते हैं तो इस क्यू आर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं ये शेड्यूल है क्लास इलेव एंड ट्वेल्थ का यूट्यूब का ये देखिएगा क्लास ट्वेल्थ का यूट्यूब में कब लेती हूँ नौ से दस लेती हूँ रात को मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे ठीक टुडे इज मंडे बहुत अच्छा शुरुआत है बहुत अच्छा दिन है और आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर अल्कोहल एंड ईथर्स पे सीबीएसई टर्म वन की प्रैक्टिस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से करवाने के लिए हम लोगों ने इमर्ज को रीशेप कर दिया है जिसके अंदर हम लोग बच्चों के एग्जाम्स ले रहे हैं ट्रस्ट मी बच्चों बहुत सारी टीम इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड ओवर इट एंड क्वेश्चन पेपर्स बन रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से रिव्यू हो रहे हैं और इसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी आपके वीडियो सोल्यूशन इंडिया टॉप एडुकेटर्स की तरफ से होंगे डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी जिससे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर आप लैक कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आई रियली सजेस्ट जरूरमेंट कोड इज एमबीज एपसोल्यूटली फ्री बच्चों ये बिल्कुल फ्री है की तरफ से बहुत जबरदस्त इनिशियेटिव है जहां देश भर के बच्चों को प्रैक्टिस कराया जा रहा है फ्री टेस्ट सीरीज के थ्रू मूविंग अहेड अन अकेडमी एमर्ज का जो अगला टेस्ट शेड्यूल है देखो फ्री एनरोलमेंट है एंड अन अकेडमी इमर्ज के ये कुछ टेस्ट शेड्यूल है आप देख लीजिएगा डेट्स वगैरह टेंथ टेंड कॉमर्स एंड साइंस ठीक है ट्यूजडे ट्वेल्थ अक्टूबर यानी कि कल आपका अगला टेस्ट शेड्यूल है केमिस्ट्री का प्लीज दीजिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू काफी कोर्स अपन ने कर लिया तो आप रियली में उस टेस्ट को दे सकते हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स हम देख लेते हैं बेसिकली हम ही एडुकेटर्स हैं और हमसे और भी अच्छे भी एडुकेटर्स हैं जो कि यूट्यूब पे नहीं है सिर्फ आपको प्लस पे मिलेंगे एंड uh, हम लोग जब प्लस पे किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज अन अकेडमी भरोसा करके कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन लेकर के प्लस में आया है तो जो फीचर्स हम उस बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं वो क्या क्या है प्रॉपर लाइव क्लासेस प्रॉपर टॉप एडुकेटर्स उसको पढ़ने का मौका मिलता है रेग्यूलर डाउट सोलविंग से क्या फायदा है मैम डाउट सोलविंग से यह फायदा है कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको डाउट आते हैं सपोज करिए हमने आपकी तीन चार क्लासेस ले ली ऑफलाइन वाले भी टीचर्स लेते हैं लेकिन बच्चे जब उस चीज को घर जाके पढ़ते हैं तो आधी चीजें याद रहती है आधी चीजें हम भूल भी जाते हैं कुछ चीजें याद भी आती है लेकिन कई बार हम उस जगह अटक जाते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है क्लास में तो समझ में आया था लेकिन अभी नहीं क्लिक हो रहा है या आपके कोई नया चीज दिमाग में आ जाए कि कि आई एम नॉट गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ मैम और एनी सर एनी एडुकेट सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है ऑफलाइन टीचर्स के पीछे पीछे कि सर सर डाउट 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 है doubt है sir, doubt है doubt है मैम मैम तो टीचर्स नहीं समय निकाल पाते हैं uh, मैं इसमें किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूं सिंपल सी चीज है कि बहुत ज्यादा बैचेज होने के कारण बिकॉज आई हैव बीन फ्रॉम ऑफलाइन फॉर द लास्ट फोर्टीन ईयर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट टाइम फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट डाउट सो फॉर दिस वी नीड अ डिसिप्लिन कि अगर बच्चों के डाउट्स बिल्कुल सॉल्व होने चाहिए तो हमें एक डिसिप्लिन की जरूरत है, तो है और यही डिसिप्लिन

प्लस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है जहां एक बच्चे को वो सब प्रोवाइड कराया जाता है जो कि ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम से कहीं कम नहीं है बल्कि जिम्मेदारी वाइज और ज्यादा ज्यादा है बट चार्जेस बहुत टेल यू कि क्लास ट्वेल्थ के लिए कुछ और बैचेस भी लॉन्च हो गए हैं जैसे कि कॉमर्स के लिए फोर्थ अक्टूबर से ये फोकस बैच एंड फोर्थ अक्टूबर से ह्यूमैनिटीज के लिए ये बैच अब इस तरह के बैचेस जो लॉन्च हो रहे हैं जैसे देखिए काफी अच्छे एडुकेटर्स इसमें पढ़ा रहे हैं ये आपके साइंस के लिए हम लोग पढ़ा ही रहे हैं टर्म वन के लिए प्लस जो नए बच्चे आते हैं एडमिशन लेकर के अन अकाडमी पे सब्सक्रिप्शन लेके आते हैं दे ऑल्सो ट्रस्ट की हमें भी लाइव क्लासेस चाहिए और हमें दोबारा पढ़ना है तो हमारे नए नए बैचेस आते रहते हैं जिसमें आप उन टीचर्स से भी पढ़ सकते हैं और हमसे भी पढ़ सकते हैं और अगर आपको किसी एक ही टीचर से पढ़ना है रिलाई करना है तो आप उनका रिकॉर्डेड सेशन देखो लाइव भी देखो आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी पूरा लाइव क्लासेस मिलेंगी सारे क्वेजेस मिलेंगे टेस्ट मिलेंगे वर्कशीट मिलेंगे मटीरियल मिलेगा एवरी यू विल बी गेटिंग एंड ट्वेंटी सितंबर से मेरा नया बैच ट्वेल्थ का स्टार्ट हुआ है अगर आप सोचो कि लेट हो गए हो तो बेटा इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर आप एंड में आ, कभी सोचिए टर्म टू के टाइम पे कि हम भी सब्सक्रिप्शन ले लेते ले हैं तो और अच्छे से पढ़ लेते क्योंकि जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन दिया अच्छा स्कोर कर है इससे अच्छा सही समय पर सही फैसला अगर आपको लग रहा है लेट हो गए तो भी वी कैन गाइड यू की कैसे आपका जो चैप्टर्स निकल गए हैं वो आप कर सकें वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च न्यू कोर्सेस जिसमें लाइक थर्टी डेज या थर्टी फाइव डेज का क्रैश कोर्स जिसमें जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ के उनको स्क्रैच से पढ़ाना है और सब कुछ पढ़ाना है फास्ट में पढ़ाना है तो टीम इज प्लानिंग ओवर इट कि कैसे उनको लाइव क्लासेस में सब पढ़ाया जाए अदरवाइज रिकॉर्डेड सेशन फॉर एवरी चैप्टर इज अवेलेबल एंड प्रैक्टिस सेशन लाइव सेशन आर गोइंग ऑन सो यू आर यू आर नॉट लेट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट बिलीविंग इन इट कि यू आर नॉट लेट द डे वैन यू स्टार्ट बिलीविंग इन यूर सेल्फ इज द डे टू गेट स्टार्टेड ऑफ ठीक है आप उस दिन शुरुआत कर सकते हैं जिस दिन आपको भरोसा हो जाए कि आज के दिन अब मैं फोड़ दूंगा अब मैं शुरू कर सकता हूं ठीक है तो इट्स नेवर लेट ठीक है तो एम बी लाइव कोड यूज करके आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन एंड ये जे नीट के सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं जो एम बी लाइव कोड यूज करने के बाद के हैं और ये आइकॉनिक है आइकॉनिक में आपको स्टडी मटेरियल का प्रिंट आउट आपके घर आता है प्रॉपरली पैक होकर के आपको डाउट्स में प्रायोरिटी मिलती है है ना और उसके अलावा आपको एक पर्सनल कोच अलॉट होता है जो आपको पढ़ाता नहीं है बट आपका टाइम टेबल स्केड्यूल आपका स्टडी प्लानर आपका वीकली रिपोर्ट सब आपको टाइमली प्रोवाइड करता है तो इस तरीके से आइकॉनिक है तो आइकॉनिक के ये चार्जेस

ऐसे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए टीचर्स के पीछे पढ़ना पड़ता है सर दोबारा पढ़ा दीजिए सर रिवीजन कब कराओगे मैम जो चैप्टर्स हमारे छूट गए हैं सिंस वी आर लेट हमें कब कराओगे और ये पीछे भागते भागते समय निकल जाता है वी मेक ऑनलाइन के अंदर ही बहुत जबरदस्त फायदा है कि वी तो कंटेंट इज रिकॉर्डेड इन वेरी गुड क्वालिटी तो आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि आप उन बच्चों से पीछे हैं जो हमसे शुरू से जुड़े हुए और टर्म टू तो अभी बाकी है ही ना बच्चों आधा खेल तो बचा हुआ है और आधा

द moment you पुट दिस code, इट विल be नाइन थाउजेंड नाइन थाउजेंड में ऑल द सब्जेक्ट द रिकॉर्डेड कंटेंट जो हो चुका है विद ऑल द प्रैक्टिस क्विजेज वर्कशीट्स स्टडी मटीरियल एवरीथिंग, डाउट क्लासेस एवरी थिंग एवरीथिंग थिंग इज इंक्लूडेड इन दिस इंक्लूडिंग योर मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी एंड साइड सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश कंप्यूटर साइंस और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब इसी चार्जेस में इंक्लूडेड होंगे फॉर द नेक्स्ट और प्रायोरिटी पे लिया जाएगा तो आप वो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन बच्चा पार्टी लेट मी सी होल ऑलरेडी जॉइन स्वकीर्ति हर्ष महक आ गई है Navratri, बेटू. प्यारी आ चुकी है बेटा ज्योतिका गुड इवनिंग प्रक्षिका राणा गुड इवनिंग स्वाति मिश्रा अदिति, हेलो सुनीता सबको मेरा हार्टली वेलकम सेशन को अच्छा से शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो ठीक है एंड स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा एनसीआरटी पार्ट टू का चैप्टर नंबर टू है मतलब पहला हेलोल के सेकंड ये है अब बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ट्राई करेंगे नोमेनक्लेचर तक पहुंचने की है ना वी विल ट्राई दैट तो अल्कोहल फिनोल ईथर्स होते क्या है पहले वो समझिए अगर मैं एक नॉर्मल एल्केन ले लूं एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ले लूं लेट्स से मैंने मीथेन ले लिया ठीक है लेट्स से मैंने मीथेन एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन मैंने ले लिया अब इसमें से मुझे एक हाइड्रोजन करना है रिमूव एक हाइड्रोजन हटाना है हटाना है और उसकी जगह एक ग्रुप लगाना है जिसका नाम है ग्रुप OH ग्रुप तो माइनस हाइड्रोजन कर देते हैं और प्लस ओ OH एच ग्रुप कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा सी एच थ्री ओ एच और इसी को हम क्या बोलते हैं एल्कोहल जैसे ये मीथेन से क्या बन गया मीथेनॉल तो इसको बोलते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन और ये क्या है यह है आपका अल्कोहल तो अल्कोहल में आप एक हाइड्रोजन निकाल करके ओ डाल देते हैं बेटा ओ वो तड़का है फंक्शनल ग्रुप बेसिकली वो तड़का होता है जिससे फ्लेवर आता है डिश के अंदर थोड़े दिन पहले मैंने मेरा एक चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है द मिस्टिक जिसपे मैं व्लॉग्स डालती हूँ सो दैट वी हैव अ बेटर कनेक्टिविटी तो मेरी आप रूटीन लाइफ से कनेक्टेड रह सकते हैं तो मैंने मैगी बनाई थी सिक्स सिक्स तरीके से ऑल द मेथड्स वर डिफरेंट मैंने साउथ इंडियन छौका भी लगाया था मैंने मिक्स uh, वेज भी बनाई थी मैंने इटालियन पास्ता फॉर्म भी बनाई थी तो मैगी का पैकेट तो वही फट रहा था ना बार बार और मैं अलग अलग स्टाइल से कुक करके उसको बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर एंड टेस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी तो बात वही है ये मैगी का पैकेट है और ये इसका छोंका है जो इसको अपनी एक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा ठीक है तो इनको हम क्या बोलते हैं एल्कोहल्स क्या बोलते हैं हाँ। और अब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मिस्टिक के नाम से है कर लेना द मिस्टिक एम वाई एस टी आई क्यू क्यू यू -E, द मिस्टिक ठीक है तो एनीवेज लेट अस टॉक अबाउट दिस हमारे एल्कोहल्स हैं अगर मैं बात करती हूँ तो हो हाइड्रोजन होता है एक हाइड्रोजन पे एक इस पे एक इस पे एक इस पे बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है सी सिक्स एच सिक्स ना वट आई एम गोइंग टू डू आई जस्ट इरेज ऑफ वन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन में इरेज करूंगी और क्या लगा दूंगी ग्रुप लगा दूंगी बन जाएगा फिनॉल तो इस तरीके से बनते हैं एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की हम बात करेंगे तो एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर फॉर्मड अगर आप एक हाइड्रोजन आइटम हटा दे हाइड्रोकार्बन का तो एल्कोहल बनती है एरोमेटिक रिंग का हाइड्रोकार्बन हटा दे तो फिनॉल्स बन जाते हैं सिंपल चीज है क्लियर है एल्कोहल में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हो सकते हैं एल्कोहल में मैम आप इलेवंथ की थर्सडे सैटरडे चार से पांच तो अल्कोहल में एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं ओ एच हो सकते हैं फिनॉल में भी ओ एच ग्रुप एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं ठीक है तो अस गेट स्टार्टेड फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स Uh, ध्यान से पढ़ना बिकॉज छोटे छोटे क्विज क्वेश्चन भी मैं लाई हूँ और मैं चैट्स में भी आपसे ओरल टेस्ट लूंगी शाउटआउट भी अच्छे से करूंगी बहुत मजे आने वाले हैं तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओ एच ग्रुप क्लासिफिकेशन का पहला बेसिस है कि, कि किसी अल्कोहल में या फिनॉल में कितने ओ एच ग्रुप्स हैं उस बेसिस पे हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई करते हैं तो पहला है मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक से मतलब है देयर इज ओनली वन ओ एच ग्रुप प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर अल्कोहल ठीक है डायहाइड्रिक अगर दो ओ -एच, हैं, तो हैं? अगर ओ एच ग्रुप है तो हम उसको क्या बोलते हैं डायहाइड्रिक अगर तीन ओ एच ग्रुप है तो हम उसको क्या बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अगर एक से ज्यादा है यानी दो तीन चार पांच कितने भी हम उसको कॉमनली पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं इसका मतलब एक तो मोनोहाइड्रिक कैटेगरी होगी एक पॉलीहाइड्रिक होगी पॉलीहाइड्रिक को हमने फर्दर किस में डिवाइड किया है डायहाइड्रिक पॉली मतलब बहुत सारे एक अनेक मोनोहाइड्रिक एक एक ओएच ग्रुप पॉलीहाइड्रिक अनेक ग्रुप OH अब अनेक में दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन है जस्ट अ सेकेंड बच्चों ये एसी नहीं काम कर रहा है मेरा कमरे का एसी थोड़ा गड़बड़ करने लगा है आजकल अब सही है चलो ओके सो नेक्स्ट हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू विच ओ एच क्लासिफिकेशन आपको यह देखना है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसा नेज उसका क्या नेचर है सबसे पहले है प्राइमरी आप कैसे पता लगाएंगे प्राइमरी के बारे में देखिए ओ oh, एच जिस कार्बन से जुड़ा है उसने कितने कार्बन का हाथ थामा है वो आपको काउंट करना है

इट विल बी प्राइमरी डिग्री बोलना या प्राइमरी बोलना एक ही बात है लेकिन अगर ओ एच OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो और कार्बन से जुड़ा हो सपोज दिस दिस लाइक ठीक है तो तो सबसे पहले तो आप ये दिए ओ एच जिस कार्बन से अटैच है उसको स्टार लगाइए अब स्टार वाला कार्बन देखिए कि वो कितने ग्रुप से और जुड़ा है तो एज आई कैन सी एक तो ये हो गया ब्रांच एक ये हो गया तो इसका मतलब ये कौन सा डिग्री है टू डिग्री है ठीक है टू डिग्री पहचानना आसान है इसके बाद में OH जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो तीन अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड हो तीन से ठीक है तीन से तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि OH जिस कार्बन से जुड़ा उसे स्टार लगाइए फिर स्टार मार्क्ड कार्बन के बारे में देखिए स्टार लगा दिया अब ये स्टार वाला कार्बन चेक करना है कितने लोगों का हाथ थामा इसने इसने तीन पार्टी है इसकी तीन लोगों का हाथ थामा हुआ है इसका मतलब इट इज कंसीडर्ड एज थ्री डिग्री तो क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को देखो उसकी कितनी ब्रांचेस है एक है तो वन डिग्री दो है तो टू डिग्री तीन है तो थ्री डिग्री तो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन आइटम टू विच ओ एच इज अटैच तो दिस इज हाउ दे आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल एंड एल्कोहल तो अब तक हमें दो बेसिस आते हैं पहला है कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं या तो एक या अनेक एक वाले को बोलेंगे मोनोहाइड्रिक और अनेक वाले को बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अब अनेक बोले तो कितने अनेक मतलब दो डाईहाइड्रिक अनेक मतलब तीन ट्राईहाइड्रिक अनेक मतलब चार टेट्राहाइड्रिक अनेक मतलब पांच पेंटाहाइड्रिक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स यू हैव आल्सो क्लासिफाइड इनटू दीस मेनी टाइप्स देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन आइटम तो जस्ट स्टार मार्क कर लो उस कार्बन को जिससे वो जुड़ा और फिर उसकी ब्रांचेस देखो कितनी है एक है तो वन डिग्री दो है तो टू डिग्री और तीन है तो थ्री डिग्री समझ में आ रहा है क्लियर है सबको देखो पहला लेक्चर है और मैं मीन हाउ मेनी लेक्चर्स विल यू फिनिश दिन मतलब शुरुआत भी नहीं पिक्चर देखना शुरू नहीं करते उससे पहले कि खत्म कब होगी तो फिर इसको मैं पॉजिटिव लू कि नेगेटिव लू is NCRT sufficient of for boards absolutely sufficient ठीक है चलो मूविंग अहेड प्राइमरी सेकेंडरी को देखो ओ OH एच जिस कार्बन से अटैच है उसे स्टार मार्क किया ध्यान से देखो बेटा क्योंकि मैं कुछ कुछ क्वेजिंग क्वेश्चन भी लाई हूं ओ OH एच जिस कार्बन से अटैच है उसे स्टार मार्क किया उसकी एक ही ब्रांच है वन डिग्री उसकी दो ब्रांच है टू डिग्री उसकी तीन ब्रांच है थ्री डिग्री समझ में आ रहा है सबको क्या मुझे एक थम्स अप मिलेगा चैट बॉक्स में एक स्माइल मिलेगी कि यस मैम यहां तक तो हमको समझ में आ गया अब हम आगे बढ़ सकते हैं कहना इसी थम्स अप इन द चैट बॉक्स फॉर दिस नीट के लिए बेटा एनसीआर यू नहीं कहूंगी कि मत पढ़ो एनसीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज नीट के लिए रखनी पड़ती है मतलब किसी चीज की आपको गहराई में जाना पड़ेगा जब आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम फाइट करेंगे तो वेरी नाइस बेटा बस हमारे स्वाति इसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स के तीन सेशन है मेरे ख्याल से सात से आठ सेशन इसके हैं फिर तीन बायोमोलिक्यूल्स के कोर्स खत्म है ना इससे ज्यादा कुछ है नहीं सब पढ़ा दिया ऑल राइट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कार्बन टू इज से है उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है चलो तुम लोग से. जल्दी से क्विकली मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर पुराने वाले चैप्टर की चीजें है श्रेया श्रेष्ठा रावत वेलकम टू माय सेशन बेटा होप यू विल बी रेगुलर थैंक यू सान्या देखो साधना यादव कह रही है एलाइलिक और अलीजा कह रही है प्रतीक्षा राणा कह रही है एलकाइल काफी बच्चे को याद भी है मतलब काफी बच्चे पिछला चैप्टर पढ़ के आए हैं चलो मैं बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी हैं एसपी थ्री हाइब्रिडाइज को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में ठीक है पहली कैटेगरी है आपकी एल्काइल मतलब नॉर्मली जो अपन ने अभी ये पढ़े ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम सब sp3 अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ में आती तो आप मेरा इलेवेंथ की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो केमिकल बॉन्डिंग का सेशन नंबर थ्री ऑनवर्ड्स देखें तीन चार आपको हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी बट ये अभी जिनको क्लियर है वो समझ सकते हैं एसपी थ्री है तो एक तो नॉर्मल जो एल्कोहल्स होती है नॉर्मल जो एल्कोहल्स होती है जिनमें एसपी थ्री कार्बन यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और वाली उसके अलावा एलाइल याद हो तो एलाइल के अंदर पड़ोसी का रायता फैलता था सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू ओ एच अब इसके अंदर जो ओ एच OH अटैच है इसको फोकस करके देखो जिस कार्बन पे अटैच है वो sp3 थ्री हाइब्रिडाइज है दूसरी बात डबल बॉन्ड के पड़ोसी का रायता फैला यह मेरा बहुत कॉमन टर्म है बच्चों को रटवाने के लिए कि एलाइल क्या होता है एलाइल ऐसा तुतला नहीं जैसा लग रहा है एलाइल लेकिन एलाइल का मतलब है पड़ोसी का पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन पे किसी ग्रुप का अटैच होना दिस इज 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 नोन एज एलाइलिक इट इट तीसरा होता है है ये बेंजीन देखो जस्ट लुक एट दिस बेंजीन बेंजीन का कोई भी पड़ोसी कार्बन ले लो और फिर उस पर दो इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक दिस इज ऑल्सो अंडर एसपी थ्री कैटेगरी ठीक है, है? यानी कि हमारा पहला सिंपल वाला दूसरा एलाइलिक ठीक है और तीसरा बेंजाइलिक बेंजाइलिक तो ये तीन कैटेगरीज हैं जो कि हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं मैंने इसमें भी रिवाइज करा दिए ये एसपी थ्री हाइब्रिडाइज्ड है फिर आता है एसपी टू sp2 एसपी टू, टू की कैटेगरीज बताओ जल्दी से चलो क्विकली पूजा अगर प्रीबोर्ड की तैयारी वीक है लेकिन मन में जो आपकी डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग है तो आपकी वीक तैयारी भी स्ट्रांग हो जाएगी जितना समय बचा है उसमें मेरे ऑफलाइन के एक्सपीरियंस में ढाई महीने के अंदर एंटायर केमिस्ट्री का कोर्स करके 97 मार्क्स लाने का रिकॉर्ड है ढाई भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ इट वॉज़ टू मंथ्स और एक ऐसा बच्चा जिसका एक्सीडेंट हो गया था वो अपने पेरेंट्स तक को भूल गया था सिर खुल गया था उसका ऐसा बच्चा जिसने पूरा साल स्कूल नहीं अटेंड किया था कोचिंग तो दूर की बात है हॉस्पिटल में ही काटा नवंबर में घर आया दिसंबर में मुझे ज्वाइन किया धीरे धीरे मेमोरी रिकॉल हो रही थी हम उसको ताना भी नहीं दे सकते कि तू इलेवेंथ में क्या पढ़ के आए भाई वो अपने माँ बाप को भूल गया था ऐसे बच्चे ने जब मेहनत की ना तो वो दो महीने में उसका रिजल्ट उसकी मम्मी ने मुझे बोला था ओनली पास करा दो बस ताकि साल वेस्ट नहीं हो ही गॉट नाइनटी मार्क्स तैयारी वीक है डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है हो जाएगा काम एराइलिक एंडलिकली कैटेगरी एक पहली कैटेगरी है एराइल एराइल मतलब हम फिनॉल्स ज्यादा बोलते हैं देन दूसरा होता है विनाइल विनाइल मतलब ये वाला जो कार्बन है ना डबली बॉन्डेड जो कार्बन है इसके ऊपर कोई हेलोजन लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलते हैं सॉरी अभी हेलोजन वाला एक चैप्टर पढ़ के आए ना हेलोजन नहीं OH ग्रुप लगा है तो हम उसको क्या बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल विनाइलिक अल्कोहल ठीक है विनायलिक, आल्कोहल, विनायलिक, आल्कोहल, तो हो गई ये वाला थर्ड वाला भी, थर्ड थर्ड भी बेसिस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ओ एच ग्रुप इज अटैच ठीक है तो पहला था sp3 तीन कैटेगरीज है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फिर एलाइल का मतलब है पड़ोसी डबल बॉन्ड के पड़ोसी पे ओ एच होना खुद पे नहीं होना पड़ोसी पे होना एलाइल और पड़ोसी भी फर्स्ट ही सेकेंड नहीं मतलब तुम्हारा फर्स्ट नेबर सेकेंड नेबर नहीं मतलब कई बच्चे, बच्चे बच्चे डाउट क्लास में पूछते हैं प्लस की डाउट क्लास में कि मैम इसको भी एलाइल बोलते हैं क्या ये भी तो पड़ोसी हुआ थोड़ा दूर का पड़ोसी हो गया ये इसको भी एलाइल बोलते हैं क्या नो इसको एलाइल नहीं बोलते ओनली फर्स्ट पोजीशन को ही एलाइल बोलते हैं अगली पोजीशन को कुछ नहीं बोलते हैं ठीक है फिर वो आईओपीएस नोमलेचर होता है ये कॉमन टाइप का है ना इसमें ऐसी चीजें कम कम चलती हैं तो एलाइल हो गया ये बेंजाइल हो गया एसपी टू तो हाइब्रेडाइज में बेंजीन के का सारे कार्बन आइटमी टू तो हाइब्रेडाइज होते हैं तो अगर बेंजीन के किसी भी कार्बन आइटम से जुड़ा है हम उसको बोलते हैं एराइल हेलाइड एंड एसपी टू तो हाइब्रेडाइज और उसके अलावा ये भी एसपी टू होता है क्योंकि डब्ल्यू बॉन्डेड है तो ये हमारा हो गया बीन आइल एल्कोहल अब इसी को एनसीआरटी से मैं रीड करूंगी आप लोग के लिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमको एनसीआरटी आती है आर्टिकल नंबर इलेवन पॉइंट वन पढ़ा है जस्ट हमने अभी द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स मेक द स्टडी सिस्टमैटिक दैट वी ऑलरेडी नो क्लासिफिकेशन करेंगे तो सिस्टमैटिक स्टडी हो जाएगी अल्कोहल मोनो डाय ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स अल्कोहल्स इन फिनॉल्स को क्लासिफाई किया जाता है मोनो डाय ट्राई में डिपेंडिंग अपॉन इनमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर

प्राइमरी कैसे पहचानते हो एक और तरीका बताओ प्राइमरी पहचानने का सी एच टू ओ एच सेकेंडरी सी एच ओ एच टर्शरी सीओ एच ऐसे भी पहचान सकते जितने जितने हाइड्रोजन गायब होते जा रहे हैं उतनी उतनी डिग्रीज बढ़े जा रही हैं ठीक है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एसपी थ्री में आते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एसपी थ्री के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं एलाइलिक ऐसा तो एलाइलिक एलाइलिक एल मतलब डबल बॉन्ड के पड़ोसी पड़ोसी का फैलाना है कार्बन आटम पर हमें ओ एच OH अटैच करना है पड़ोसी फर्स्ट होना चाहिए सेकेंड वाला पड़ोसी नहीं थर्ड वाला पड़ोसी नहीं फोर्थ वाला पड़ोसी नहीं लंडन में ही पहुंचना पड़ोस में जाते 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 दूसरे देश में निकल लिए पड़ोसी मतलब अपना इमीडिएट नेबर तो डबल बॉन्ड के इमीडिएट ये, ये ये तो की कैटेगरी में आएगा ये डबल बॉन्ड हो गया देखो ये वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है और इसका फर्स्ट इमीडिएट पड़ोसी है जिसपे ओ एच अटैच है इधर अटैच होता तो भी एलाइलिक समझे को डबल बॉन्ड का जो इमीडिएट पड़ोसी है उस पर अगर ओ ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं एलाइलिक देखो ये रहा डबल बॉन्ड ध्यान से देखना ये इसका फर्स्ट पड़ोसी इस पे ओ सेकंड है पे नहीं फर्स्ट वाले पे ओ एच है रहा डबल बॉन्ड और ये इसका फर्स्ट पड़ोसी इस पे ओ है ठीक है नेक्स्ट आती है बेंजाइलिक बेंजीन का पड़ोसी तो ये रहा बेंजीन ये रहा बेंजीन का पड़ोसी और ये पड़ोसी पे ओ ये रहा बेंजीन ये रहा बेंजीन का पड़ोसी पड़ोसी पे ओ ये रहा बेंजीन ये रहा बेंजीन का पड़ोसी पड़ोसी पे ओएच यहाँ आपकी जो ध्यान है वो एक और तरफ आकर्षित करना मैं भी चाहूंगी और एनसीआरटी वाले भी चाह रहे हैं जो दिख रहा है वो आपको प्राइमरी एलाइलिक सेकेंडरी एलाइलिक एंड टर्शरी एलाइलिक कैटेगरी बता रहे हैं प्राइमरी मतलब आपको दो चीजें एक साथ बताई जा रही हैं कि एक तो ये एलाइलिक है एलाइलिक बोले तो पड़ोसी

थैंक यू आकाश थैंक यू सो मच मैम यू यू इज समथिंग लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स वेरी इंजॉय एंड लर्निंग मैम यू आर मेक कॉन्सेप्ट वेरी इजी सिंपल एंड मीट मी लव विद केमिस्ट्री द बेस्ट केमस्ट्री एडिएट इन दिस वर्ल्ड अरे बाप रे आकाश थैंक यू थैंक 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 यू 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 सो मच फॉर अप्रिसिएशन बेटा नेक्स्ट देखो अब इधर भी ये बेंजाइलिक है लेकिन प्राइमरी बेंजाइलिक है ओएच ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो दो कार्बन से अटैच है ना तो सेकेंडरी बेंजाइलिक एच ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो तीन कार्बन से अटैच है तो टर्शरी तो यहां पे सेम चीज को दो कैटेगरीज में डाला है सेम चीज को दो दो कैटेगरीज में डाला हुआ है और ये फिनॉल्स आ गई आपकी मोनोहाइड्रिक फिनॉल ये भी मोनोहाइड्रिक की है, की है, ट्राईहाइड्रिक इनको हम क्रिसोल्स बोलते हैं ये आपको लर्न करना है क्रिसोल्स और मैं लर्न करवा दूंगी थोड़ी देर बाद में चार्टॉक्स से पूछूंगी बेटा क्रिसोल्स क्या होती है तो आपने बोलना है मिथाइल फिनॉल्स एक ऐसी बेंजीन रिंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट है इसमें इसको बिना लर्न के काम नहीं चलेगा क्रिसोल आपको याद होना चाहिए कि OH साथ साथ हो, तो मतलब वन टू है तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल ऑर्थो क्रिसोल सिमिलरली एनसीआर वाले क्या है कई बार देते कम कम सा है, पूछ ज्यादा लेते हैं तो इसलिए आपको जो चीजें मैं बताऊं वो याद करनी है एच के अगर थर्ड पोजिशन पे मिथाइल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं मेटा क्रिच ग्रुप के अगर फोर्थ पोजिशन पे मिथाइल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं ऑर्थो तो ऑर्थोक्रिसोल्टिस एंड पैरा क्रिसोल ठीक है बट वॉट आर क्रिसोल्स मिथाइल ग्रुप एंड ओ एच ग्रुप बेंजीन मिथाइल OH on benzyl पूछूंगी थोड़ी देर बिल्ड क्रिस्टल्स क्या होती हैं आपने फटाफट स्पैम कर देना है मिथाइल एंड OH on बेंजीन ओके okay. चलो बताओ व्हिच वन इज एलिलिक अल्कोहल टेस्ट स्टार्टेड करिश्मा बिट्टू लाइव आया करो है ना थैंक यू थैंक यू अश्विन मिथॉक्सी नहीं बोल सकते बेटो संदीप घर कैन बी टू इट नहीं बेटा मिथॉक्सी और मिथाइल में फर्क होता है संदीप का ये डाउट मैं सॉल्व करूंगी पहले मैं आंसर्स ले लेती हूँ सो एलाइलिक अल्कोहल ये रहा क्योंकि डबल बॉन्ड के पड़ोसी पे ओएच अटैच है सो दिस वन इज एलाइलिक अल्कोहल यू गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट संदीप ने एक डाउट पूछा है मैम मिथॉक्सी बोल सकते हैं बेटा इसको बोलते हैं मिथाइल और इसको बोलते हैं मिथॉक्सी मिथॉक्सी तब बोलते हैं जब ऑक्सी मिथॉक्सी में जो तुम्हें वर्ड सुनाई दे रहा है ना ऑक्सी दैट ब्यूटू ऑक्सी स्टैंड ऑक्सीजन ये जो ऑक्सी का ऑक्सी है दैट स्टैंड फॉर ऑक्सीजन ठीक है तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर हम उसको मीथॉक्सी कैसे बोलेंगे ऐसे ही तुम ओसी लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा ओसी टू एच फाइव तो ईथ ऑक्सी प्रोप ऑक्सी प्रोपॉक्सी ब्यूट ऑक्सीऑक्सीजन आई होप द डाउट इज क्लियर ये विनाइलिक एल्कोहल आप पहचान गए होंगे कि डबल बॉन्ड पे खुद पे OH लगा हो तो विनाइलिक बोलते हैं लेकिन डबल बॉन्ड के मैं बार बार बेटा ऑर्गेनिक बहुत रिपीट करके पढ़ाती हूं। ताकि आपको रट जाए सेल्फ स्टडी के वक्त आपको ये जिकाल नहीं आए बहुत करना है। क्लास में ही लर्न हो जाता है सब वैसा तो ये आपका कौन सा है एलाइलिक ऊपर वाला है विनाइलिक और नीचे वाला है एलाइलिक चलो एनसीईआरटी का सवाल लगाते हैं पहला वाला बताओ क्या है फटाफट फटाफट लगा रहा छह है टोटल इंटेक्स क्वेश्चन इलेवन पॉइंट वन लगा रहे हैं हम फटाफट बताओ ये वाला कौन सा आपको प्राइमरी सेकेंडरी ट्रशी बताते जाओ लाइन से बताते जाओ फर्स्ट वाले का आंसर दो हाय दिया मुझे लग रहा है मैं तुम्हें बहुत दिनों बाद देख रही हूं यहाँ चैट बॉक्स में बेटू फॉर्मल चार्ज पढ़ा दिया बेटे मैंने संजीव रानी राय देखो तुम बीच में कहीं पढ़ाया है मैंने इस चैप्टर में आठ से दस लेक्चर्स है रोहित मीना डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग डिग्री 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 ओके जो स्टार मार्क्ड कार्बन है वो तो एक से ही है, जिसको मैंने रेड कर दिया है तो ये कौन सा डिग्री होगा वन डिग्री नेक्स्ट वाला बताओ थ्री डिग्री नहीं होगा महक बेटा वन डिग्री होगा जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट बेटो

थर्ड वाला थर्ड वाला जल्दी 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 बताते जाओ शाउट आउट के, वेरी गुड दिस इज ऑल्सो वन डिग्री क्योंकि स्टार्ट मार्क कार्बन जो है वो एक ही कार्बन से अटैच है तो वन डिग्री ये वाला बताओ फोर्थ वाला हाय खुशबू बेटू लव यू बेटा फोर्थ वाला फोर्थ वाला फोर्थ वाला टू डिग्री अभी देखो वन टू वन टू आंसर आ रहे टू डिग्री हुआ ना आप ओवे OH जिस कार्बन से अटैच है उसको लगाओ स्टार फिर देखो कि स्टार वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है तो एक तो इससे अटैच है ये कार्बन एक तो इससे अटैच अटैच है है एक बेंजीन के कार्बन से भी है। तो मैं गिन पा रही हूं कि वो दो कार्बन से अटैच है तो टू डिग्री हो गया ये वाला देखो फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला यस इट इज ऑल्सो टू डिग्री बिल्कुल ये भी क्या है टू डिग्री फिफ्थ वाला खांगे तो ओ एच जिस कार्बन से अटैच है उसको हमने किया स्टार मार्ग ओ एच जिस कार्बन से अटैच है उसको हमने किया स्टार मार्ग और स्टार मार्ग कार्बन को मैं अब यहां किससे करती हूं मैं दूसरे ब्लू कलर से मार्क करती हूं कि स्टार मार्क् कार्बन कितने कार्बन से अटैच है एक तो इससे और एक इससे ठीक है नीचे तो ऑक्सीजन है तो कौन सा डिग्री हो गया ये भी टू डिग्री हो गया लास्ट वाला बताओ लास्ट वाला वेरी गुड गुलाम सुभानी वेरी गुड लास्ट वाला बताओ और सेशन को लाइक भी कर देना जरूर से वेरी गुड गेमर बहुत सारे बच्चे बता रहे थ्री डिग्री यहां पर देखो ओ OH एच जिस कार्बन से अटैच है उसे स्टार मार्क कर दिया ये रहा वो कार्बन ओ OH एच जिस कार्बन से अटैच है उसको हमने क्या कर दिया स्टार मार्क ठीक है अब स्टार मार्क करने के बाद में स्टार मार्क्ड कार्बन कितने कार्बन से अटैच है एक इससे एक इससे एक इससे तीन कार्बन से तो थ्री डिग्री हुआ ना बस इतना सिंपल होता है चलो अब ये बताओ आइडेंटिफाई इनमें से एलाइलिक एल्कोह कौन सी एलाइलिक कौन सी है जल्दी से थैंक यू सूरज यादव विच वन सेकेंड एंड फोर कह रहे हैं गौरव कुमार गर्ग सेकेंड एंड सिक्स कह रहे हैं इग्निटर्स ओनली सेकेंड भी बता रहे कुछ बच्चे फोर्थ एंड फिफ्थ भी बता रहे हैं सेकंड फोर्थ सेकंड सिक्स फोर्थ फिफ्थ पता नहीं हर कुछ हर कुछ हर कुछ मतलब ये रायता ये नहीं फैला रहे तुम फैला रहे हो रायता सुनो एलाइलिक एल्कोहल का मतलब होता है डबल बॉन्ड के पड़ोसी पर ओ एच जुड़ा होना इसमें कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है ये हमारे कैटेगरी में नहीं है सेकेंड है देखो ये रहा डबल बॉन्ड और इसके पड़ोसी पे ओ एच ग्रुप अटैच पड़ोसी पर तो हाँ यह एलाय से तो वाला तो कन्फर्म है। क्योंकि डबल बॉन्ड के पड़ोसी पर ओ एच है ना देखो डबल बॉन्ड इसका पड़ोसी पे ओ एच ठीक है नेक्स्ट देखो इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है ये कैटेगरी में नहीं है ये बेटा फोर्थ वाले को कंफ्यूज मत करो ये बेंजाइलिक है क्योंकि बेंजीन का पड़ोसी ज्यादा माना जाएगा डबल बॉन्ड के करते तो अब इसको बेंजाइलिक भी कहेंगे देखा जाए तो डबल बॉन्ड का भी पड़ोसी एलाइलिक कहेंगे बट अगर कोई चीज बेंजाइलिक भी हो और एलाइलिक भी हो और आपको एक आंसर देना हो तो आप बेंजाइलिक बोलेंगे एलाइलिक नहीं क्योंकि इट इज मोर अ पड़ोसी ऑफ दिस स्टार मार्क्ड कार्बन ये बेंजीन का पड़ोसी ज्यादा दिखाई दे रहा है ठीक है तो ये नहीं उसके बाद में यहां कोई डबल बॉन्ड है नहीं और ये रहा देखो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के पड़ोसी पर ओ एच तो ये भी एलाइलिक होगा तो आंसर है सेकेंड एंड सिक्स्थ ठीक है इसका आंसर है सेकेंड एंड सिक्स तो जिसने भी आंसर सही दिया है है वो मेरी तरफ से ताप, 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 ताप. ठीक है? बहुत बढ़िया शाबाश दियान एस पी टू हाइब्रोडाइज कार्बन एंड ओ ग्रुप इनमें से कौन से ऐसे एल्कोहल है जिसमें एसपी टू हाइब्रेडाइज कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है चलो बताओ नहीं बेटा मैं नाइन्थ क्लास को नहीं पढ़ाती विवेक पांडे कब से बोल रहे हैं अरे सॉरी बेटा मैंने नज, मेरे मतलब नजर से चूक गया हाँ हीरा बहुत बुरा लगा था पानी के बहाने से उस नहीं नहीं कौन सा मैं तो कुछ और ही सोच रही हूं <laughs> रोहित डी डी ये विनाइलिक के अंदर sp2 पी भी तो कैटेगरी है ना विनाइलिकबल बॉन्ड सी एच ये विनाइलिक और इस कार्बन पे आपका क्या है ओ एच गलती से टू लगा दिया इस कार्बन पे आपका क्या है ओ एच अटैच है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा sp2 पी टू में तो एसपी थ्री होता है एसपी थ्री एसपी थ्री आंसर है आपका अगला करें विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स नॉट डिस्क्राइब दिस इस स्ट्रक्चर को इनमें से कौन डिस्क्राइब नहीं करता है मैम क्लासेस कब कब होती हैं भैरवी क्लासेस होती हैं मंडे वेंसडे फ्राइडे को रात को नौ से दस आज एल्कोहल इथर्स शुरू किया है और अपने फ्रेंड्स को भी आप लेके आइए इस सेशन का रिकॉर्डेड पोर्शन दिखा दो और नेक्स्ट सेशन से ज्वाइन करवा लो ठीक है हेरोन हेलोरिन पढ़ना पड़ेगा वो मैंने पढ़ा दिया उसका भी पूरा प्ले है मंडे वेन्सडे फ्राइडे रात को नौ से दस एक और चीज द मिस्टिक मेरा चैनल है द मिस्टिक एमवाई एस टी आई क्यू यू -E, इसको सब्सक्राइब भी कर ले क्योंकि वी विल हैव हाँ मोर कनेक्शन देन अभी तो क्या अन्यडमी का टीचर सब कुछ उसके अंदर क्या रहेगा ना व्लॉग्स बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट तो वी विल अ हाँ बेटर कनेक्शन है ना सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेना मैं तुम तो मतलब इतने सालों से एडुकेटर हूँ एंड आई एम टेकिंग अ चांस ऑफ बीइंग अ व्लॉगर पता नहीं कैसी व्लॉगर बन पाऊंगी बट आई विल डू इट नहीं मेरी तबियत कोई खराब नहीं है मैं तो बहुत एकदम बढ़िया हूँ यूफोरिया Uh, मैं आपकी चार पांच महीने पुरानी स्टूडेंट हूँ सारे बैकलॉग कंप्लीट करके पहली बार आपकी लाइफ ज्वाइन की फील लाइक ऑफलाइन क्लास यस yes, शिवांगी ना मेरे सभी स्टूडेंट्स यही कहते हैं और मेरे को ना तुम लोगों से ऑफलाइन कनेक्शन लगता है चलो करेक्ट आंसर क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डू नॉट डिस्क्राइब दिस बेटा ये एलाइलिक है है।, है है ना एलाइलिक भी है मोनोहाइड्रिक एक को एच ग्रुप है प्राइमरी भी है विनाइलिक इज द करेक्ट आंसर विनाइलिक नहीं है ये ठीक है अगला करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विनाइलिक एल्कोहल राजस्थान जतिन किशन आई एम फ्रॉम राजस्थान जल्दी क्विकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विनाइलिक एल्कोहल इनमें से कौन विनाइलिक एल्कोहल नहीं है वेरी गुड वेरी गुड स्मार्ट स्मार्ट बच्चा बांटी स्मार्ट स्मार्ट हो गया स्मार्ट

एल्कोहल्स एल्कोहल्स को आप पहचानते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप OH से ठीक है और इसके लिए सफिक्सिक्स करना होता है ऑल क्या यूज करना होता है सफिक्स ऑल ठीक है और नाम देते वक्त कुछ भी नहीं है मैं भी सिखाऊंगी बहुत सिंपल हो जाएगा आपको सबसे पहले ब्रांचेस का नाम देना है अगर है तो ब्रांचेस के बाद आपको वर्ड रूट बताना है मतलब मीथेन मीथीथ प्रॉप ब्यूट पेंट है ठीक है बहुत मजे आते हैं में फिर आपको सेकेंडरी सफिक्स बताना है सेकेंडरी सफिक्स एल्कोहल के लिए क्या यूज होता है वो मैं लिख देती हूँ सेकेंडरी सफिक्स एल्कोहल के लिए ऑल यूज होता है प्राइमरी सफिक्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एन इन आयन होता है इफ ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल इन द मेन चेन एन इफ देर इज एनी डबल बॉन्ड तो पोजीशन के साथ इन इफ देर इज एनी ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन के साथ आयन तो ये क्या है प्राइमरी सफिक्स इन ऑब्लिक ऑब्लिक आयन ठीक है और फिर वर्ड रूट क्या है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन जो मीथ वगैरह और ब्रांचेस तो आपको पता ही है तो बस मैं इसका स्नैपशॉट ले लो क्योंकि ये स्लाइड चली जाएगी ठीक है चलो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं हम क्यों नहीं कोई करें ट्वेल्थ uh, क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बनाऊ नमन शर्मा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस एक नहीं बहुत सारी बना चुकी हूं अभी हजारों बोलूंगी तो बहुत फेंकूबाजी हो जाएगी बहुत सारी बना चुकी हूं स्पेशल क्लास एक्स्ट्रा क्लास ले चुकी हूं ऑर्गेनिक पढ़ाने से पहले सात दिन तुमको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए ऑर्गेनिक यूट्यूब पर शुरू कराने से पहले फिर भी जो बच्चे उसको ज्वाइन नहीं कर पाए तो फिर मैंने उनके लिए इलेवेंथ में पैरलि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी ताकि वो मंडे ट्यूजडे वेंसडे को इलेवेंथ के बच्चों के साथ बैठ के बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को और मंडे वेंसडे फ्राइडे को ट्वेल्थ क्लास में लाइव आ जाएंगे अब क्या अपने प्लेटफॉर्म पे हर दिन को नया बच्चा आता है पर हर दिन मैम बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए लाइव नहीं आ सकती एंड आई हैव मेड सो मेनी बेसिक वीडियोस बेटा चलो सावन ट्रिक वे कुछ नहीं वैसे ही लर्न करवा दूंगी थैंक यू महिमा क्लास कब तक चलेगी दस बजे तक हाँ तो इसका नाम क्या है देखो जरा पहले कॉमन नेम सिखा दू पहले कॉमन नेम सिखा देती हूँ फिर उसके बाद आई करेंगे देखो इसका एलकाइल एल्कोहल होता है कॉमन नेम एलकाइल एल्कोहल तो पहले सारे कॉमन नेम सीख लेते हैं पीडीएफ दोगे क्या आप इस क्लास के रोहित गिरीश जब ही क्लास ओवर होगी तो आप इसके इस पे क्यू आर कोड लगा हुआ है उसको स्कैन करना उससे आप क्लास के नोट्स अपने आप आपके आ जाएंगे आप नोट्स तक पहुंच जाओगे ठीक है रोहित गिरीश ओके इसका नाम है मीथाइल एल्कोहल मीथाइल एल्कोहल मीथाइल एल्कोहल फिर इसका नाम क्या हो जाएगा एन प्रोपाइल एल्कोहल एन प्रोपाइल क्यों बोला अगर कोई भी कार्बन चेन स्ट्रेट 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 ग्रुप एंड में लगा हुआ है उसको नॉर्मल एन का मतलब होता है नॉर्मल मतलब एक सीधी चेन बिना मुड़ी तुड़ी बिना ब्रांचिंग के सीधी चेन को हम क्या बोलते हैं एन एन मतलब नॉर्मल एन प्रोपाइल एल्कोहल नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल देखो ये चार कार्बन की सीधी चेन है अनब्रांच तो हम उसको क्या बोल रहे हैं नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल ठीक है ये सीधी यहां पाँ, अगर पांच पांच कार्बन की चेन होती तो कॉमन नोम फ्लेचर में उसे -पेंटाइल बोलते अगर छह कार्बन की चेन होती तो कॉमन नोम फ्लेचर में अल्कोहल बोलते यहां एन का मतलब होता है नॉर्मल और नॉर्मल का मतलब होता है सीधी सीधी ठीक है अनब्रांच्ड ठीक है एन का मतलब समझा दिया अब बात आती है आइसो की ठीक है आइसो की आइसो क्या चीज है आइसो एक ट्राइंगल फॉर्म करती है जैसे इसको मैं अगर आईस, प्रॉपर आइसो बनाऊं तो इट इज लाइक दिस इसको मैं रीफॉर्म कर रही हूं रीफॉर्म है ना बेटा ये जो फिश टेल टाइप की बन रही है अगर तुम्हें दिखाई दे रही हो तो ये मछली की पूछ ये आइसो ग्रुप होता है जो मिनिमम प्रॉप से तीन कार्बन आइटम से बनता है तो ये हुआ हमारा मछली की पूछ वाला आइसो तो फिर आइसो ब्यूटाइल क्या हुआ बताती हूं आइसो ब्यूटाइल क्या हुआ सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री चाहे इसको ट्राइंगल बोल लो चाहे इसको मछली की पूछ बोल लो अब ये देखो इसमें भी तुम्हें मछली की पूछ दिखाई दे रही है ये देखो मछली की पूछ इसको हम बोलते हैं आइसो लेकिन कार्बन कितने हैं एक दो तीन चार तो इसका नाम क्या हो जाएगा मछली की पूछ का आइसो ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल ठीक है आइसो ब्यूटाइल आइसो प्रोपाइल क्या आप अपनी कॉपीज में आइसो पेंटाइल बना सकते हैं अगर बना सकते हैं तो बनाइए मैं आपको एक खाली स्लाइड पे इसका आंसर दूंगी और जब बना लें तो थम्स अप कर दें जल्दी जल्दी जैसे ही बना लें मैं खाली स्लाइड पे आइसो पेंटाइल एल्कोहल बना के आपका आंसर दे दूंगी बना लिया रोहित गिरीश वीडियो को पीछे करके देखो मैंने पंद्रह मिनट लगा के तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दिया ओके okay, चलो अब चेक करो सी एच थ्री चेक करना बेटा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच दिस इज नोन एज आइसोपेटाइल यू कैन फिगर आउट दिस थिंग क्या फिश टेल ये ये आइसो के अंदर आप फिश टेल बोल लो या ट्राइंगल बोल लो फिर कार्बन गिन लो एक दो तीन चार पांच आइसो पेंटाइल एल्कोहल ठीक है तो ये हमारा आइसो ब्यूटाइल है ये आइसो प्रोपाइल है और वो आइसो पेंटाइल था तो हमें एन समझ में आ गया आइसो समझ में आ गया एन मतलब सीधी आइसो मतलब ऐसी ठीक है उसके बाद में आता है देखो फिर उस हिसाब से अपना क्या क्या हो गया मैं जरा टिक मार दूं और जो बचा हुआ है वो बता दूं मिथाइल अल्कोहल तो सिंपल हो गया एन समझ में आई गया आइसो आ गया एन ब्यूटाइल अल्कोहल आ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या चीज है OH जिस कार्बन पे जुड़ा है कॉमन में अगर वो दो और कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको स्टार मार्क करो जो मैंने तुम्हें अभी आइडेंटिफाई करना सिखाया था जो रोहित गिरीश भी अभी पूछ रहा था कि मैम हाउ डू वी फिगर आउट प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शकोल जो मैंने तुम्हें कैसे सिखाया जस्ट अभी कि ओ OH एच जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है एक तो ये और दूसरा ये तो इसको हम क्या बोलते मतलब तो, हैं टू डिग्री एल्कोहल बोलते हैं टू डिग्री को हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्यूटाइल क्यों क्योंकि चार कार्बन आइटम है, क्यों? OH है वो सेकेंडरी कार्बन है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ तो फिर आइसो भी हमारा हो गया टर्शरी ओ OH जिस कार्बन से जुड़ा है ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो तीन कार्बन से जुड़ा हो देखो जरा ओ OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तीन कार्बन से जुड़ा है तो ये कौन से टाइप के अल्कोहल्स होगा यू टेल मी इन द चैट बॉक्स ओ एच जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो थ्री मोर कार्बन से जुड़ा हो तो विच टाइप ऑफ एल्कोहल इज दिस बताओ थैंक यू डेविल लॉर्ड गेमिंग

ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम ऐसे ही होता है ब्यूट बोले तो चार और टर्शरी कार्बन आइटम है ना अभी मुझे इसका नाम बताओ इसको क्या बोलेंगे चलो बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा ये तो एनसीआरटी में भी नहीं दे रखा एग्जाम्पल लेकिन तुम मुझे बताओगे कि इसका कॉमन नेम क्या होगा इसका कॉमन नेम थैंक यू अनीशा बेटू अरे बार बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो रोहित ठीक है ना वो मुझे पढ़ने में मजा आ रहा था रोहित गिरीश इसलिए पढ़ रही थी मैं वेरी गुड सावन वेरी गुड वेरी गुड जतिन वेरी गुड अश्विन समझ गए आइसो का एक नहीं है टर्शरी है ओएच जिस कार्बन पे जुड़ा है ओएच जिस कार्बन पे जुड़ा है वो टर्शरी नेचर का है क्योंकि वो तीन एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो वो टर्शरी नेचर का है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्शरी लेकिन कितने कार्बन आटम है वन टू थ्री फोर फाइव तो नाम हो जाएगा एल्कोहल कितना सिंपल है टर्शरी पेंटाइल एल्कोहल तो ये भी हमको आ गया अगर आपको एक बार में लर्न नहीं हुआ बट समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स क्रिएट करो कि एन मतलब सीधी आइसो मतलब फिशटेल सेकेंडरी मतलब कि सेकेंडरी कार्बन पे ओएच OH एच का जुड़ा होना तो सेकेंडरी ब्यूटाइल भी हो सकता है सेकेंडरी पेंटाइल भी हो सकता है टर्शरी टर्शरी मतलब कार्बन पे OH पे ओएच जुड़ा होना टर्शरी ब्यूटाइल भी हो सकता है टर्शरी पेंटाइल भी हो सकता है ठीक है और फिर ये ग्लीसरोल नाम तुमको लर्न करना है ये इंपॉर्टेंट है तो इसका एस सच कुछ सिर्फ सोर्स के बेसिस पे रखा हुआ है ग्लिसरॉल ग्लू ग्लाइकॉल ये सब सोर्सिस के बेसिस पे होते हैं तो ये दोनों लर्न करने हैं बाकी मैंने सब समझा दिए अब ये तो बहुत ही भर गया है तो नेक्स्ट पेज पे देखो बिल्कुल क्लीन सा पेपर है और इस पर हम क्या करेंगे इस पर हम आई पी एस सी नोम करेंगे है? तो लेट्स गेट अब IUPAC एक ही कार्बन एटम है तो हम इसको बोलेंगे मीथेनॉल ठीक है सेकेंड वाले में तीन कार्बन एटम है बट एल्कोहल्स में थ्री कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है नंबरिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये तीन कार्बन एटम है और फर्स्ट नंबर पे ओ OH है तो हम इसको बोलेंगे प्रोपेन वन ऑल प्रोपेन मतलब तीन कार्बन आइटम और वन पे क्या है अल्कोहल है तो प्रोपेन वन ऑल इधर भी तीन कार्बन आइटम है बट सेकेंड नंबर के कार्बन पे ओ OH है तो नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल ठीक है प्रोपेन टू ऑल अब इधर देखिए ये चार कार्बन आइटम है और फर्स्ट कार्बन आइटम पे ओ OH एच है तो नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन वन All, पूरी एनसीआर हम कर रहे हैं यहां पे मेक श्योर sure जब आप मेरी क्लास अटेंड करने आए तो NCRT साथ लेके बैठे कि NCRT अगर आपकी पूरी हो गई तो आपको confidence आ जाएगा और आपसे कोई एक नंबर भी एनसीआर प्रैक्टिस करूं अब देखो चार कार्बन आइटम है नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी क्योंकि यहां से ओ OH ग्रुप नजदीक पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन ब्यूटेन टू ऑल ठीक है फिर इधर देखो मेन चेन ये सिलेक्ट करी हमने इधर से नंबरिंग करेंगे ब्रांच तो टू और ब्रांच का नाम क्या है मिथाइल टू मिथाइल ब्रांच हो गई पूरी तो प्रॉप है ये वर्ड रूट प्रोप फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एन और फिर वन ऑल प्रोपेन वन ऑल नेक्स्ट हमारा क्या है ये हो जाएगी ठीक है ये ब्रांच है और ये फंक्शनल ग्रुप है लेफ्ट में ब्रांच है राइट में फंक्शनल ग्रुप है तो हम क्या बोलेंगे टू प्रोपेन टू टू प्रोपेन ऑल। ये गिनती कर लो तुम वन टू थ्री तो टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल ठीक है सिमिलरली यहां पे ये मेंशन हो गई और वन और टू पोजीशन पे दो एच ग्रुप है तो इथेन वन कॉमर टू डाई ऑल बोले तो दो ओ OH ग्रुप है तो डाय तो डायऑल डायोल फिर ये का नेम क्या हो जाएगा तीन कार्बन आइटम की चेन है कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कोई ब्रांच नहीं है तो प्रोपेन वन टू थ्री ट्राइल ठीक है फिर से एक बार रिवाइज करा दूं पूरा नोमचर का सिस्टम दो सिस्टम हमारे एनसीआरटी में दिए हुए हैं एक है हमारा कॉमन दूसरा है आयुपेक कॉमन जो है कॉमन वाले में कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो याद करनी है जैसे एन का मतलब होता है सीधी चेन आइसो का मतलब होता है ट्रायंगल या फिशटेल सेकेंडरी का मतलब होता है ओएच OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नेचर देख लो तुम कि वो वन डिग्री है टू डिग्री थ्री अगर टू डिग्री तो सेकेंडरी फिर कार्बन गिन लो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बना सकते हो तुम सेकेंडरी पेंटाइल भी बना सकते हो अगर टर्शरी कोई बोल रहा है टर्शरी मतलब ओ जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने तीन कार्बन से जुड़ा होना चाहिए ऐसे में अगर चार कार्बन का कंपाउंड है तो टर्शरी का तो से जुड़ा है वो टर्शरी होना चाहिए ठीक है फिर ये दो तुमको याद करने हैं वक्त मीथेनोल प्रोपेन वन ऑल प्रोपेन टू ऑल ब्यूटेन वन ऑल फिर ब्यूटेन टू ऑल फिर टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल और टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल ये दोनों आइसोमर्स हो गए इथेन वन कॉमा टू डायऑल और प्रोपेन वन कॉमा टू कॉमर थ्री ड्रायल क्लियर हो गया सबको सबको क्लियर हो गया शिवम कुमार कह रहे हैं मैम केमिस्ट्री का नाम एक्सेप्शन क्यों नहीं है बहुत सारे लोग केमिस्ट्री का मजाक उड़ाते हैं बहुत जगह उड़ाए हुए हैं अरे एक्सेप्शन है अरे एक्सेप्शन है रियल सब्जेक्ट तो फिजिक्स है अरे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन एक्सेप्शन है है हर जगह मैं कह रही कि नेचर खुद यार क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा नहीं जो एक्सेप्शन हो यार ये तो हमारे अलग ही है फैमिली में ये पांचों उंगलियां के बराबर होती हैं ये भी बराबर नहीं होती क्या ये दोनों हाथ सेम काम करते हैं ये भी सेम काम नहीं करते क्या दुनिया में जो इतने सारे पेड़ पौधे हैं वो भगवान ने एक ही जैसे बनाए नहीं बनाए क्या जो सपोज करो कि एप्पल बनाए वो एप्पल कोई शिमला का एप्पल कोई फलानी जगह का एप्पल ढिकाली जगह का एप्पल सबकी शक्लें अलग अलग इंसान कोई इंसान की शक्ल एक दूसरे से मैच नहीं होती इतनी बड़ी दुनिया सबकी शक्ल अलग तो जब नेचर में इतनी डाइवर्सिटी है तो फिर केमिस्ट्री की डाइवर्सिटी कम बहुत क्यों नहीं हजम होती लोगों को वो समझ में नहीं आता मुझे है ना एक्चुअली द लाइफ जो लाइफ का रियल रूप है ना वो हमें केमिस्ट्री में देखने को मिलता है नेचर खुद ही इतना डिस्टॉर्टेड है यार नेचर में कब सिमिट्री हो गई कि एक रूल बना दिया बहुत सब जगह फॉलो होगा एक फैमिली में फॉलो नहीं होता एक रूल अगर कोई फैमिली का लीडर एक रूल बना देना उसको सारे मेंबर्स फॉलो नहीं करते कोई ना कोई तोड़ देता है एक्सेप्शन तो फैमिली में भी होते हैं तो केमिस्ट्री तो फिर एक सब्जेक्ट है क्यों नहीं हो गया यार इट्स वेरी क्लोज टू नेचर एंड नेचर इज फुल ऑफ एक्सेप्शन केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शन समझे बात को तो चलिए आगे चलते हैं अब ईथर्स का नोमथलेचर में तुम्हें ना, नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ क्योंकि मुझे कराने में बहुत मजा आता है और दस बजे के बाद कोई फायदा नहीं कराने का तो मैं अगली क्लास में कराऊंगी अलग ढंग से ऐसा इस तरह का नोमथ लेचर तुमने पढ़ा नहीं होगा अभी कुछ डिफरेंट स्टाइल से मजे आएंगे मुझे बहुत अच्छा लगता है ईथर्स का एंड बस इसके बाद हम चलते हैं ये होमवर्क है आपका इसको एज होमवर्क करके आना क्योंकि अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ठीक है महक इज दैट फाइन डियर महक होमवर्क ओके तो ये करके आइएगा आई यूपीएससी नेम इनके करने आपको इनके करने और ये बताओ जरा वॉट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेन टू ऑल थैंक यू सौम्या गुप्ता सौम्या गुप्ता रही मैम आपका पढ़ा है सब क्लास में याद हो जाता है इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाता केमिस्ट्री थैंक यू सो मच बेटा मे गॉड गिव यू हैप्पी हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ सौम्या गुप्ता आंसर आ रहा है बी ब्यूटेन टू ऑल ये होता है एक दो तीन चार है ना ब्यूटेन टू ऑल ये होता है तो तुम्हें पता है ना कौन सा कार्बन है सेकेंडरी तो सेकेंडरी हुआ ना आया ना समझ में रेगुलर रहोगे ना प्रॉमिस कि सारे बच्चे रेगुलर आएंगे रेगुलर आओगे तो बहुत मजा आएगा मुझे पढ़ाने का और मैं बहुत इनपुट्स डालूंगी चलो अगला करो अब नेक्स्ट क्लास बेटो तो परसों है मानसी नेक्स्ट क्लास परसों है परसों बोले तो वेंसडे वेंसडे को सेम टाइम नौ बजे इसकी सिक्वेंशियल क्लास होगी होमवर्क करके आना मैं डिस्कस करूंगी सैफ शेख रफीक मिलेंगे फिर तो प्लस की क्लास में कल मिलते हैं कल मेरी प्लस पे क्लास है क्या आंसर आ रहा है प्रॉमिस सारे बच्चे प्रॉमिस लिखो सारे बच्चे लिखो आई वी विल बी रेगुलर आई विल बी रेगुलर आई विल बी रेगुलर ये लिखो प्रॉमिस आइडेंटिफाई द करेक्ट आई नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड ये आपका मेन चेन हो गया ठीक है पांच कार्बन आटम का और यहां से गिनती शुरू करेंगे तो थ्री मिथाइल पेंटेन टू ऑल थ्री मिथाइल सी इज द करेक्ट आंसर ये वाला कर दो एक आइडेंटिफाई द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड हाँ हाँ डॉली चिंता नहीं करो एनसीईआरटी के बाहर कोई नहीं जाएगा वेरी गुड सुमित एवरी वन इज राइटिंग आई विल बी रेग्यूलर वेरी गुड संजीव और जब तुम रेगुलर आने लगोगे मैं तुम लोग के नाम पहचानती हूँ जैसे मेरी महक जो है वो हर बार कहती है मैम होमवर्क दे दो तो मेरे को नाम पहचान में आते हैं आई कैन फील यू इन माई क्लासरूम सी चलो आइडेंटिफाई कंपाउंड तो एक दो तीन चार ब्यूट डेरिवेटिव ब्यूटेन वन कॉमर थ्री डायल ब्यूटेन वन कॉमर थ्री डायल सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है butane, 1, butane, 1, ये भी आपका होमवर्क है क्योंकि आपने आई यूपीएससी लेचर कर लिया है मुझसे ईथर्स इसमें से कोई भी नहीं है तो आप इलेवन पॉइंट थ्री इंटेक्स को भी करके आइएगा और इसको अब अगली क्लास में करेंगे नीट का ये क्वेश्चन है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ ऑलराइट सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वर्क बाउंड्री पे कोई भी आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दे रहा हो तो वो आपको आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं ये मेरा शेड्यूल है जो बच्चे आज ही मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल के इससे पिछले वाला चैप्टर देख ले क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में तो ये पॉसिबल होता है कि आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा आप सॉल्यूशंस पढ़ लेते हो अपने आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ सकते हो इलेक्ट्रो पढ़ सकते हो क्योंकि इंटरकनेक्टेड नहीं होते चैप्टर ऑर्गेनिक में मैंने कभी ऐसा नहीं सुना एक बच्चा कहे मैंने नहीं पढ़ा और मेरे को अल्कोहल हंड्रेड परसेंट समझ में आ गया ऐसा नहीं होता इतना ज्यादा कनेक्टेड होता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि टाइम निकाल के रिकॉर्ड

आपको सिर्फ फ्री एनरोलमेंट करवाना है बाय यूजिंग कोड मास्टर ब्लास्टर कोड एम बी लाइव इसको कहीं कॉपी में लिख लो ये कोड बहुत जगह काम आएगा स्पेशल क्लासेस इस कोड से खुलेंगी प्लस के सब्सक्रिप्शन में इस में इस कोड कोड से से डिस्काउंट आएगा एमर्ज में फ्री एनरोलमेंट होगा तो इस कोड को लिख लो कैपिटल एम बी लाइव विद नो गैप मास्टर ब्लास्टर लाइव कोड ठीक है ये जो आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं अन ने इनिशिएटिव लिया है जो कि बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है कि देश के हजारों लाखों बच्चे जो कि बहुत ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हैं या जिनकी फैमिलीज नहीं ट्यूशन वगैरह अफोर्ड कर सकती हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अनकेडमी के जरिए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं अपने लेवल को भाप सकते हैं तो आप ये जरूर दीजिए क्योंकि इसमें ऑल इंडिया रैंक आएगा वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी कोड कहीं लिख लेना एम बी लाइफ एंड प्रोसीडिंग इसका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो कल है का और ये केमिस्ट्री का है ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्री एनरोलमेंट है फ्री एग्जाम है एम बी लाइव ठीक है ओपन कर सकते हैं एम बी लाइव कोर्ड से यू कैन अनलॉक एनी एनी फ्री सेशन ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप कोई भी फ्री सेशन इससे अनलॉक हो जाता है आस्क आस्कट फीचर हमारे अन अकेडमी पे है यू कैन आस्क सो मेनी डाउट्स एनी टाइम ठीक है इसके अलावा सब्सक्रिप्शन में हम टीचर से आपको और ज्यादा पर्सनल कनेक्ट मिलता है आपको हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में हम खुद नोट्स बनाते हैं मैं अपने बच्चों के लिए नोट्स खुद बनाती हूँ हम बहुत ढेर सारी वर्कशीट बनाते हैं लेट से हमने आज क्लासिफिकेशन पढ़ा तो क्लासिफिकेशन की वर्कशीट अलग जाएगी जिस दिन नोम क्लेचर पढ़ेंगे नोम क्लेचर का होमवर्क अलग जाएगा तो वो होमवर्क मैं खुद बनाती हूँ अच्छी अच्छी किताबों से कंपाइल करके कुछ ये यहां से भी कंपाइल करके मैं बच्चों के लिए होमवर्क क्रिएट करती हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट बच्चे क्लास में समझते हैं उसकी जब सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सवालों को फेस करेंगे

तो उस समय की मैं आपको बात बता रही हूँ कि उस समय मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी एंड सारे एडुकेटर्स बच्चों को एंड टाइम तक नहीं छोड़े हैं एंड टाइम तक जो है बच्चों को स्टूडेंट्स ने हाथ नहीं छोड़ा साथ नहीं छोड़ा जबकि सब ऑफलाइन वाले बच्चे इस चीज़ से हैरान हो रहे थे कि तुम लोग हमें क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स खुद हमें बताते थे कि हमारे फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हारी अभी तक क्लासेस चल रही हैं हमारी क्लासेस तो ऑफ हो गई बट अन अकाडमी ने वो कमिटमेंट निभाया कि जब तक आपका एग्जाम होगा नहीं और आपको हम छोड़ेंगे नहीं जब फैसला आया था कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तब जाके क्लासेस हटाई गई थी तो इस लेवल का कमिटमेंट होता है टेस्ट वगैरह सब प्रॉपर होते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मटेरियल मिलता है सारी चीज़ें वो सब कुछ है इनफैक्ट ज्यादा ही है जो आपको ऑफलाइन में प्रोवाइड करवाया जाता है क्वालिटी बहुत जबरदस्त है प्रोसीडिंग uh, बहुत सारे बैचेस आते रहते हैं नए नए बैच फॉर्म होते रहते हैं आप किसी में भी एनरोल कर सकते हो मल्टीपल में भी एनरोल कर सकते हो कि लेट्स से आपको मुझसे पढ़नी है केमिस्ट्री तो मुझसे पढ़ने हैं पर आपने बोला मैम हमारे तीन चार चैप्टर निकल गए आपने तो पढ़ा दिए बच्चों को अब हम क्या करें दो चॉइसेस हैं या तो रिकॉर्डेड देख लो जो मैंने पढ़ा दिया या ये वाले टीचर्स से भी आप पढ़ सकते हैं इसमें भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं राहुल सर इधर भी केमिस्ट्री को ये तो चलो ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स है बट कोई ना कोई ऐसा बैच फॉर्म होता रहता है जिसमें आप अपना लाइव में भी पढ़ना लाइव सेशन में पढ़ना चाह रहे हो तो जरूर पढ़ सकते हैं एंड मेरा बैच जो है वो ट्वेंटी थर्ड से स्टार्ट हो गया और ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को मेरी क्लासेस होती है तो कल भी मेरी क्लास है जिसने सब्सक्रिप्शन ले लिया मैं वेलकम करती हूँ कल मेरी क्लास होने वाली है इसमें एंड uh, ये नीट जेई की कॉस्ट है एम लाइव कोड यूज करके नीट जेई पे टॉप एडुकेटर्स ऑफ द नेशन सिंगल प्लेटफॉर्म पे अकेडमिक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं कोटा कोचिंग इंडस्ट्री के जो ऑफलाइन कोचिंग के बादशाह हैं बंसल्स हो गया वाइब्रेंट हो गया एलन हो गया न्यूक्लियस हो गया इनके जो एडुकेटर्स जो कि रैंक प्रोड्यूसिंग एडुकेटर्स हैं उनको अनकेडमी ने अपने साथ एसोसिएट कर लिया है अब इनसे पढ़ने की फीस कोटा में क्या लगती है एक साल की सवा लाख डेढ़ लाख से कम फीस नहीं होती रहना अलग खाना अलग ट्रैवल अलग है ना और यही टीचर्स से आप यहाँ कितने कम कॉस्ट में पढ़ सकते हैं कि अगर आप सिक्स मंथस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं सपोज तो सिर्फ ट्वेंटी आपकी फीस है सारे सब्जेक्ट्स की और आपको गाइडेंस किसकी मिल रही है टॉप एडुकेटर्स की जिन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं जिनके पास वो एक्सपीरियंस है कि वो आपको कुछ बना सकते हैं सही मार्गदर्शन करके अगर आप उनकी बात माने और दिन रात एक करें मतलब बेटा एक हथौड़ा मारना होता है और एक हथौड़ा सही जगह पे मारना होता है जो आपको एक टीचर गाइड करता है मेहनत आप कर रहे हो बट को मेहनत किस तरीके से करनी है कि आप सही जगह हथौड़ा मारो और वो पत्थर ब्रेक हो जाए कम मेहनत में भी ये मार्गदर्शन आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ही करा सकती है और यहाँ पे बहुत नॉमिनल चार्जेस में यही चीज प्रोवाइड कराई जाती है देश के बच्चों को एमबी लाइव कोड यूज करके ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का है और यही कोड सेम कोड यूज करके आइकॉनिक वाला थर्टी फोर का है सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके

आपके रिकॉर्ड record, मतलब रिकॉर्डेड अवेलेबल है वो भी इसी में होंगी मतलब कहने का कि पूरा बारह महीने का मटेरियल आप नाइन थाउजेंड में देख सकते हैं आइकॉनिक लेते हो तो सेवनटीन थाउजेंड में वॉट आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो टाइम टेबल बना सकता है आपका आपका स्टडी प्लानर बना सकता है वीकली रिपोर्ट बना सकता है प्लस आपके डाउट्स को टीचर्स प्रायोरिटी पे लेंगे आइकॉनिक डाउट्स आइकॉनिक वाले बच्चों के डाउट्स प्रायोरिटी पे लिए जाते हैं क्लासरूम सेम होता है आइकॉनिक के सेपरेट क्लासरूम हमारे यहाँ नहीं होते मैं आइकॉनिक को भी पढ़ाती हूँ प्लस को भी पढ़ाती हूँ एक ही क्लासरूम में लेकिन हम लोग की ऐप इस तरीके के फीचर्स हैं जिसमें हमें आइकॉनिक वालों के डाउट्स पहले हमारे सामने आते हैं हम आइकॉनिक वालों से बात पहले करते हैं फिर प्लस वालों से तो ये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा अगर आप सेवेंटीन थाउजेंड वाला ये सब्सक्रिप्शन लेंगे एम बी लाइव कोड यूज कर लें एंड बस करना क्या है आने का का लर्निंग आप डाउनलोड करो इंस्टॉल करो गोल सेलेक्ट करो गेट सब्सक्रिप्शन में जाओ और एम बी लाइव कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले, ले लो एंड वेलकम टू प्लस प्लेटफॉर्म आप रेगुलर आना परसों से ठीक है चलो बाय बाय अदिति बाय सुधांशु बाय महक बाय बेटा बाय स्वकीर्ति बाय शिवम बाय बेटू बाय बाय लव यू ऑल अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत मेहनत करो ये ये समय वापस नहीं आएगा ये कुछ कर दिखाने का समय है फिर सारी जिंदगी बहुत मजे हैं अब ये मत बोला मैम ऐसा तो सभी बोलते हैं मैं सच कह रही हूं अगर इस समय तुमने मेहनत कर ली ना तो तुम्हारी लाइफ पूरी इस समय पर निर्भर करती है तुम्हारे को कॉलेज कौन सा मिलेगा फिर कॉलेज से प्लेसमेंट कैसा होगा फिर नौकरी कैसी होगी वो इनिशिएट ड्राइविंग फोर्स ये इलेवन ट्वेल्थ ही होता है यहीं पे आप मेहनत करते हैं तो बहुत सही जगह आप जाते हैं कॉलेज अच्छा घुसते हैं प्लेसमेंट अच्छा होता है नौकरी अच्छी लगती है पार्टनर अच्छा मिलता है लाइफ अच्छी गुजरती है और अभी हम लापरवाही करेंगे फन वन में टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे हम मतलब बड़ा ही कॉम्प्रोमाइजिंग से कॉलेज में एडमिशन लेंगे कॉम्प्रोमाइजिंग से प्लेसमेंट्स होंगे कॉम्प्रोमाइजिंग से लाइफ पार्टनर मिलेगा कॉम्प्रोमाइजिंग से लाइफ हो जाएगी तो डोंट गो फॉर द कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड उसके लिए फाइट करिए जो तुम्हें चाहिए चाहिए मतलब चाहिए चलो बाय बाय लेट्स क्रैक इट